हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग, सबको जी ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, कुर्बानी वाली ईद मुबारक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी पेट्रोल पंप पे, बाइक में पेट्रोल डलवाना है। इसमें पेट्रोल की कमी हो गई है, लोगों में खून की कमी होती है, लोगों में पानी की कमी होती है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल की कमी होती है। और इसके साथ साथ मेरे साथ है मिस्टर मौजूद जो कि ये इसको वहम पड़ गया कि इसकी जो कमीज़ का कलर और सलवार का कलर सेम नहीं है, जो के सेम ही है भाई, सेम ही है। ठीक है भाई, मान लिया वही पाली अगले बंदे। सब लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने कुर्बानी क्यों नहीं की। कुर्बानी हमने ले लिया, चांद रात को ली थी और कल करेंगे कुर्बानी सेकंड डे वाले दिन। आज नहीं की, आज वैसे ही आंटी घर से, काला घर से, सबके घर से गोश्त आ गया, तो आज यार गुजारा हो जाता है। कल हम करेंगे, तो कल हम बांटेंगे भी, तो कल हम खाएंगे भी, तो कल आपको दिखाएंगे भी। यार तू बोल लिया कर, या तो मेनू बोलन दिया कर। अच्छा बोल, बोलो कसाई की ना टेंशन लो, मैं बड़ा बड़ा कसाई है। तू बड़ा बड़ा कसाई है, कसाई नहीं तू? गजब बेइज्जती है। नहीं तो जी चलते हैं जी, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी की दिल आजारी किए आपने उसको उसके घर ढूंढ अंगला। तो जी गाइस शुरू करते हैं जी, अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। तो सब लोग करते हैं जी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ओके जी गाइस, पेट्रोल डलवाने लग गया। और भाई क्या हाल चाल थोड़ा, ईद मुबारक। और सुनाओ तबीयत से ठीक? सही हो गया। पेट्रोल शेट्रोल डलवा लिया अपनी बीस्ट एंड ग्रोस्ट में, अपने होंडे 125 में। नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू है, सब्सक्राइब कर दो। बाबा पान शॉप ते दो बाबे आ गए, बाबा और बीबी दोनों पियो मल्ला। बाबा पान शॉप, बाबा की पाला वे साल हूं। बाबा की, बाबा की पान शॉप, बाबा की परी, बाबा की परी। कौन सी बाबा की परी? बताओ बताओ बताओ, जो नहीं कर रहे हैं एडिटिंग कर दो, उन्हें बॉयकॉट कर देना। गजब बेइज्जती है। तो जी गाइस वेलकम बैक, आपके भाई ने कपड़े शपड़े पहन लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जी सिटी हाउसिंग में, सियालकोट सिटी हाउसिंग में। और ये देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं बाइकों की, वहाँ पे चेकिंग हो रही है। गाइस आज हमारी ईद का तीसरा दिन और आज फुर्सत मिली है आपके भाई को घूमने फिरने की, तो मैं आया हुआ हूँ इधर कैंट में पिज़्ज़ा मैक्स वालों के पास, जरा पिज़्ज़ा शिज़ा खाने। और आपको भी दिखाती हैं, आपको भी खिलाती हैं, टेस्ट चेक करवाती हैं, और तो जो भी सीन है सारा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो व्लॉग जो है मेरा शुरू से लेके एंड तक आप सोच रहे होंगे कि ना इसमें कुर्बानी आई है, ना ऐसा वैसा कोई सीन, वो उसका जो है ना सीन ये है। कुर्बानी वाले दिन भी मैं लेट उठा था और सेकंड डे जब कुर्बानी थी उस दिन भी मैं लेट उठा था, तो सीन मुझसे मिस हो गए। जो बाहर घूमे शुमे हम गए, सिटी हाउसिंग गए वो भी आपके साथ शेयर किया, और दोस्तों के साथ मिले जुले वो भी आपके साथ शेयर किया, जितना हो सका सारा सारा इस वीडियो में है। तो अभी फुर्सत मिली है थोड़ा सा खाने पीने के बाहर घूमने की, तो आपका भाई आ चुका है और आपको भी लेके आ गया इधर पिज़्ज़ा मैक्स में। सुना है कि इनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है, काबिले बेहतर। बाकी तो बहुत सारे ब्रांड हैं यार, फ्रैंकोज हो गया, चेप्सी हो गया, मैजियो हो गया, लेकिन इनका भी कहते हैं एक ब्रांड है, तो मैं आज इनका ब्रांड चेक करने आया हूँ क्या टेस्ट है इनके ब्रांड का। तो अभी चलते हैं जी अंदर, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, एंड बाकी आप समझ गए। बाइट भी सीटिंग है, अंदर भी सीटिंग है, अंदर फैमिलीज के लिए है, बाइट भी फैमिलीज के लिए है, ये सारी पार्किंग है। इनके साथ वो कोई और ब्रांड है,
और इस साइड पे हार्ड डिस्क वाले हैं, वो हार्ड डिस्क वाले। तो चलते हैं जब अंदर, इधर से देखेंगे फैमिली बैठी, अभी खाली है, कम ही है फैमिली। तो सिटिंग एरिया इनका बहुत प्यारा है। Now let's going to the अंदर। फाइनली गाइस, ऑर्डर दिया था पिज्जे का, वो आ गया, एक पिज्जा आ गया, दूसरा पिज्जा भी आना है। दो पिज्जे थे तो एक आ चुका है, एक अभी आ रहा है। सात कोल्ड ड्रिंक, पिज्जे को आने में ज़रा देर थी तो फ्राइज मंगवाए थे इसलिए। सॉसेजेस ले आओ, दूसरा पिज्जा भी, पिज्जा मैक्स वाल लो। इनका मेन्यू देखें गाइस, दिस इज मेन्यू। अभी तो टेस्ट करके ही पता लगेगा ना क्या टेस्ट है इनका। दिखने में तो लुक ओवरऑल ठीक लग रही है, काबले बेहतर लग रही है। ले जी गाइस, दूसरा पिज्जा भी आ चुका है। इस पिज्जे का नाम है क्रीम टिक्का मैक्स पिज्जा। पहला आपने देख लिया, उसका नाम था पेरी पेरी, तो ये वाला जो है ना, इसका नाम है क्रीम टिक्का मैक्स। अब इसे टेस्ट करता हूँ मैं, फिर टेस्ट करके आपको बताता हूँ क्या टेस्ट है जी पिज़्ज़ा मैक्स वालों का। दोनों पिज़्ज़ों का एक एक स्लाइस मैंने डाल लिया है जी। साथ है जी पेप्सी हमारी दिलो जान, और चेक किया मैंने दोनों का टेस्ट, दोनों का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे पिज़्ज़ा होना चाहिए वैसा ही है ये पिज़्ज़ा, बल्कि आउट क्लास, स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। जी खा लिया था जी पिज़्ज़ा। अब जी गाइस इधर आए हैं जी ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस से आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खानी हो अभी आपको दिखाते हैं। बाकी रश तो आज ज़रा पॉसिबल ही है, ज़्यादा रश नहीं है। ग्रैंडियोस सिंस 1950। इसका सिटिंग एरिया इस साइड पे है, इधर फैमिलीज बैठती सारी। ये सारा पार्किंग एरिया पीछे रेस्टोरेंट है इसके। आइसक्रीम्स भी लेनी है और एक शेक भी लेना है। वो मैं पूछता हूँ इनसे कौन सा शेक लेना ज़्यादा मज़े वाला, वो फिर लेते हैं। दो चमची फेमस हो गया, फेमस हो गया आज, फिर फेमस हो चार कुल्फा, एक ब्लूबेरी और एक संडे, जो है स्ट्रॉबेरी वाली, ठीक हो गया। चलो गाइस, चार कुल्फा, एक एक स्कूप और एक ब्लूबेरी है वो भी एक स्कूप, और एक स्ट्रॉबेरी संडे, और अभी मैं लेने लगा हूँ जी शेक। वहाँ से गाइस आइसक्रीम्स मिलती हैं और यहाँ से शेक्स मिलते हैं। ये सब फ्लेवर हैं गाइस शेक्स के, पिस्ता कुल्फा, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, टूटी फ्रूटी, सारे ये। तो मैं इनमें से कौन सा करवाऊँ, ये वाला शेक कर दें कुल्फा, एक करना। हाँ एक करना कुल्फा शेक। यहाँ से मिलता है जी गाइस शेक, जो कि अभी न्यू इन्होंने लॉन्च किया है। पहले तो ये नहीं था, पहले सिर्फ आइसक्रीम ही थी इनकी। हो गया भाई? हाँ जी भाई, हो गया। चलो फिर आज ये जी कुल्फा शेक बन गया, इसे टेस्ट करते हैं अब। मज़ेदार, अच्छा टेस्ट है कुल्फा शेक। ओके जी गाइस, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो ईद वाले ब्लॉग करते हैं जी एंड। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके जी बाय। We'll be right back.